जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर में एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा जयनगर के अपर थाना अध्यक्ष एस एन सारंग के खिलाफ और विभिन्न मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जयनगर कमेटी के संयोजक सह नगर पंचायत जयनगर के अध्यक्ष कैलाश पासवान ने किया तथा मंच का संचालन अमरेश झा ने किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि अपर थाना अध्यक्ष एस एन सारंग सरकार के नियमों को ताक पर रखकर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में अशांति की माहौल पनप रहा है। उन्होंने एसपी व आईजी से अपर थाना अध्यक्ष एस एन सारंग के खिलाफ जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग किया, मांगे पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दिया है। खास करके जयनगर में थाना सहायक थाना अध्यक्ष सत्यन सारंग के विरोध में हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता ने एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम किए हैं। प्रशासन से मांग करते हैं, जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से, कि ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष को आप अविलंब यहाँ से स्थानांतरण करें और इनके ऊपर सैकड़ों मधुबनी जिला में इसके ऊपर कांड है उसका जांच करें और इसका जो भी संपत्ति है जो जयनगर थाना में रहकर इन्होंने करोड़ करोड़ की संपत्ति अर्जित की है और जमीन भू माफिया को साथ देकर शराब माफिया का साथ देकर और दर्जन हत्याकांड करवाए हैं, सबका जाँच हो इसके लिए एनडीए के कार्यकर्ता ने धरना देने का काम किए हैं। धरना के माध्यम से यदि उसको नहीं हटाया जाता है तो हम लोग एक सप्ताह के बाद अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, उससे भी नहीं होगा तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यह हम लोग का निश्चय हो गया। सर आपका परिचय? मैं एनडीए का संयोजक कैलाश पासवान, मुख्य पार्षद नगर पंचायत जयनगर। आज का धरना जयनगर के अपर थाना प्रभारी है एस एन सारंग, उनका जो कुकृत्य है, उनका शराब माफिया से साठगांठ, भू माफिया से साठगांठ, कई हत्याएं हुई जयनगर प्रखंड के अंतर्गत, लेकिन अब तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ, एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। जयनगर गांव में राजेश मंडल जी के पिता पूर्व सरपंच थाना में फोन किया, मेरे घर पर आक्रमणकारी घेर चुका है, आप हमको रक्षा दीजिए। 5 मिनट थाना से उनका घर है, लेकिन एक भी थाना कर्मी वहां नहीं जाने के कारण उनके घर में घुसकर अपराधी उनको कुचल कर मार देता है और थाना हाथ धरे बैठा रह जाता है, कहता है थाना में आकर के आवेदन दो, जब तक आवेदन नहीं दोगे हम जाएंगे नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अपने सरकार से भी पूछना चाहता हूं, वरीय अधिकारी से पूछना चाहता हूं, क्या हमारा घर घेरा रहेगा कोई अपराधी और हम आवेदन देने जाएंगे? कौन से प्रशासन हमको रक्षा नहीं करेगी? इसी सब बिंदुओं पर उनका जो अत्याचार है, इनका जो भ्रष्ट तंत्र के साथ मेल मिलाप है, उसके विरुद्ध राजग गठबंधन आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार से मांग करती है कि इनको अविलंब निलंबित करते हुए इन पर दर्जनों जो मुकदमा पूर्व में है, इनका जो आपराधिक चरित्र है उसका जांच किया जाए। अगर यह मांग समय सीमा के अंतराल में नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जयनगर, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी घोषणा किया है, हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से इस जयनगर में धरना प्रदर्शन मशाल जुलूस आवश्यकता पर पड़ा तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। यही बिंदुओं को लेकर हम लोग आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से मांग किए देंगे। आज की धरना आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत और ये धरना का कार्यक्रम हम लोग एक दिवसीय चालू किए हैं, जो यहाँ जयनगर शहर क्षेत्र में थाना प्रभारी सत्यनारायण सारंग की जितनी भी जबरदस्ती, जितनी भी लापरवाही, चरम सीमा छू के भी बाहर चला जा रहा है, कहीं भी कोई भी प्रशासन थाना का प्रभारी हो या थाना अध्यक्ष हो या थाना इंस्पेक्टर हो, आम पब्लिक के ही सहारे उनका थाना चलता है। यदि आम पब्लिक के साथ इस तरह की घटना आप लोगों के द्वारा चैनल मीडिया चैनल के द्वारा आज हम लोग भारत वर्ष बिहार हर जगह पर भेजना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रशासन अनुमंडला पदाधिकारी सह अनुमंडला पदाधिकारी